आज भैया दूज गोवर्धन पूजा का ये सब चीज़ है, दीपावली निपट गई है और अभी का सभी लोग अपने घरों पे ज़्यादा जा रहे हैं। पर सालाना मुझे समझ में नहीं आता है कि इतनी जल्दी भी किस जगह की है कि जाना तो घर ही है। एक छोटी सी बच्चिया यहाँ पे मुझे दिखी थी, हम देखा था, तो इसका पूरा आँख फाड़ रखी है। ये देखो पूरी आँख फाड़ रखी है, किसी हरामजादे ने, मादर क्या बोलूँ, साले ने गाड़ी ठोक दी इसको। हम लोग को भी दिखते नहीं है, साथ में दूसरी लाल वाली गाय है, इसको तो लंबी हुआ था, शायद ठीक हो गया। इस बच्चिया की कंडीशन बहुत ख़राब है। चंदू भाई को भी कॉल कर लिया है, चंदू आ रहा है, मैं भी कहीं को जा रहा था तो दिखाने के लिए बोल रहे हैं। और ये भी आ गए देखो ये। तो दिक्कत ये है कि साला जो हिंदू है ना, हमारा हो गया नपुंसक और हिजड़ा, कोई करने का काम होता नहीं है। दिख जाए तो हमें, मैं तो सोचता हूँ कि एक दो ही कब्रें यहीं खोद दूँ, दिखते हैं नहीं, इस चक्कर में दिक्कत हो जाती है मुझे। एक दिख जाए तो यहीं पेल पाल के ख़त्म कर दें कहानी, आगे का सीन जब अखबार में सब लोग पढ़ेंगे ही कि क्यों मारा तो पता चल जाए, पर कोई दिखता नहीं है ऐसे में। दिक्कत यही है मेरी, क्योंकि मुझे पेलना ज़रूरी है, कोई ऐसा दिख जाए तो एक की कहानी बन जाए। फिर कब तक का गौ सेवक भी काम में लगे रहेंगे। आगे से स्नैक्स की दुकान है ये आ जा, ये है भाई, ये स्नैक्स की दुकान में काम करता है ये। भैया विचार रखेंगे अपने, बताइए भैया अपने विचार, अभी अपने विचार दे रहे थे भैया, अभी अब चुप हो गए थोड़ा सा। तो इस टाइप की लोग चाहिए जो मैं बोल रहा था, कि अगर दिख जाते तो ऐसे कि काम हो जाता, 35 करने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि हिजड़ों की गैंग चाहिए नहीं ना। तो आप लोग देखो, मैं और चंदू भी कर लेते हैं जो भी हो पाता है, बकाया मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है इस चक्कर में, मुझे कोई भाईचारा दिखता नहीं है। फिर दूसरा ये है पूरा सीन। गोवर्धन पूजा भी करी है अभी इनकी सबने, और यहाँ पे से लगे थे, ये देखो पूजा भी करी है इन लोगों के, वाइट वाइट लगा रखा है अभी, पूजा करने वालों ने पूजा भी करी है ये।